So we will be starting making molecular orbitals today. We will start from the very first element, that is hydrogen. Okay, तो हम hydrogen molecule की formation discuss करेंगे सबसे पहले. MOT के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए important, ये आपसे पूछ सकते हैं. One is the electronic configuration, ठीक है, एक आपको electronic configuration पूछेंगे according to MOT theory. Secondly, bond order पूछ सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर मीन्स द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, ओके, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर. उसके बाद आपको पूछ सकते हैं दैट वेदर दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो ये भी हम पढ़ के आए हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है किसी का भी, दैट इज हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है. किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हाफ में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनस कर देने. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, राइट. हियर वी विल बी रिप्रेजेंटिंग आवर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इस पॉइंट पे मैं अपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है. यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, ओके. दिस रिप्रेजेंट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब रिप्रेजेंट करवाने हैं हमने, एक बॉन्डिंग बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा. हाइड्रोजन की अगर कॉन्फिग्रेशन लिखें, सो दिस इज 1s1, ठीक है, तो इस वाले की क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 1s1. सिमिलरली इस वाले की 1s1, ठीक है. दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं ऑर्बिटल्स में, लाइक दिस वी विल बी फिलिंग 1-1 इलेक्ट्रॉन इन बोथ दी ऑर्बिटल्स, ठीक है. ये हो जाएगा मेरा सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि ये बॉन्डिंग है और ये ऊपर वाला क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है. अब आपने क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को लो, इस इलेक्ट्रॉन को लो, दोनों को प्लस कर दो, कितने बने, 1+1 2 बने, ठीक है. तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2, दैट विद द ऑपोजिट स्पिन, तो ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है. अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, आपने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखनी है, सिग्मा 1s, क्योंकि ये 1s ऑर्बिटल है. कितने आए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2, तो दिस इज ये हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब उसके बाद हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग पार्ट. ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, 2. ये एंटी बॉन्डिंग है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी नहीं है, दैट मीन्स 0. तो 2 by 2 इज 1, ठीक है. तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है, 1 आया है. दैट मीन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है. अब थर्ड थिंग पे चलते हैं, वेदर दिस इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक. क्या है ये, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, दोनों डबल्ड हैं, पेयर्ड हैं. जब पेयर्ड होते हैं दिस मार्क्स द डायमैग्नेटिक कैरेक्टर. अगर एक सिंगल होगा तो दैट विल बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है. सो दिस इज हाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म. दिस इज हाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म. तो हमने ऐसे फॉर्मेशन करनी है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है जी, क्लियर हो गया.
हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर कैसे फॉर्म करना है? ठीक है, चलिए अब आपको अकेला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने बताया है. नाउ वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ हेयर गुरसिमरन डायमैग्नेटिक. देखो मैग्नेटिक करेक्टर आपने देखना है पेयरिंग है कि नहीं. अगर तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं देन दे आर पेयर्ड ऑलवेज, ठीक है, तो वो हमेशा डायमैग्नेटिक होंगे. अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है कहीं पर भी तो डेट इज पैरामैग्नेटिक. ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन में आपको भी केस बताती हूँ. यहाँ पर आप देख लो दोनों पेयर्ड हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने डायमैग्नेटिक कह दिया. अब हम बात करते हैं H2 नेगेटिव की. लेट सपोज H2 नेगेटिव की बात करते हैं. H2 नेगेटिव का मतलब क्या है? मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो. If you want to form H2 negative molecule, तो आपने किसी भी atomic orbital में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, किसी में भी कर सकते हो. ठीक है, तो कॉन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी. यहाँ पे कॉन्फिग्रेशन यहाँ पे चेंज हो गई. ठीक है, अब दो और एक तीन है, दो और एक तीन, तो तीन को मिक्स किया, दो यहाँ पर आ गए, एक कहाँ जाएगा? ऊपर. ठीक है, तो वन विल बी हियर. ओके, ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी इसकी. देयर विल बी चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. नाउ अब सिग्मा, ये सिग्मा 1s2 तो है, सिग्मा 1s2 है, सिग्मा स्टार 1s1 भी है. ठीक है, तो सिग्मा स्टार 1s1, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं. अब हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 2. एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1. तो 2 माइनस 1 इज 1, 1/2 दैट इज 0.5. और जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हम बना रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वाले, उनका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शंस में आ सकता है. बट जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है H2, Be2, Li2, ठीक है, इनका बॉन्ड ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए. दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव वाले हैं वो तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वी कैन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन्स, राइट. बट जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं आपके, जैसे HE2, आप देखोगे HE2 एग्जिस्ट ही नहीं करता. Li2 देखेंगे, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर या तो जीरो है या फ्रैक्शनल है, तो हमने फिर कंसिडर नहीं करना. जीरो बॉन्ड ऑर्डर डेट मीन्स नो बॉन्ड. ओके, अब मैग्नेटिक कैरेक्टर देखो. ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है हमारे पास लास्ट. ठीक है, हमने हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं. तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सिंगल हेयर, सो दैट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक. तो ये कौन सा करेक्टर शो कर रहा है? पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो कर रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल है. ओके, ठीक है गुरसिमरन, अब समझ आ गया बेटा? ओके, यस नो, एनी डाउट? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन, MOT में से कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ओके, हो गया क्लियर? चलो अब H2 पॉजिटिव की कंस्ट्रक्शन करो और मुझे सारे पैरामीटर्स बताओ. Now do H2 positive molecule and give me all the parameters. See here, पहले हम बनाते हैं सिंपल H2. H2 के लिए ये इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा पहले मुझे, जो मैंने H2 negative बनाया था. ठीक है, ओके, ये बन गया H2 molecule here now. अब H2 में से एक निकाल देना हमने, तो that means suppose मैं ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर देती हूँ. Here 1s is 0. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर फिल कर देंगे. ओके, एक इलेक्ट्रॉन बचा बस. पहले H2 था, दो एटम थे, ठीक है, अब उसमें से एक जो है वो माइनस कर दिया, तो एक ही बचा हुआ, राइट. कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s, बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ 1 - 0 दैट इज 1/2 0.5. कैरेक्टर बताओ कौन सा है इसका? अगेन दिस इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म. अब नेक्स्ट चलते हैं ऑन द सेकंड मॉलिक्यूल,
दैट इज हीलियम HE2। अब देखते हैं HE2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेट सी HE2 मॉलिक्यूल हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, दैट इज 1s2। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, ठीक है। एक हीलियम एटम यहाँ पर आएगा, एक हीलियम एटम यहाँ पर आएगा, राइट। सो ये इसका 1s ऑर्बिटल है, ये इसका 1s ऑर्बिटल। 1s में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? दो। इसके भी 1s में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? दो, ठीक है। दो और दो कितने हो गए? चार। चार की मिक्सिंग कर दो, ठीक है। मिक्सिंग की टोटल हमने चार फिल करने हैं, दो यहाँ पर आएंगे और दो ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब निकालिए बाकी सारे पैरामीटर्स, कैलकुलेट। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है जी। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा? जीरो, जीरो बॉन्ड ऑर्डर। कैरेक्टर इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि दोनों पेयर्ड हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है। जीरो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? कि उनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है। जीरो बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब हो जाता है? दैट दे आर नॉट हैविंग एनी बॉन्ड बिटवीन देम, सो दैट मींस हीलियम मॉलिक्यूल इट डोंट एग्जिस्ट, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं एग्जिस्ट करता ना। हीलियम सेपरेट रहता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फॉर्म में, ठीक है। हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज थ्रू द MOT। ओके, नाउ इन द सेम वे डू फॉर लिथियम। हाइड्रोजन हीलियम, अब थर्ड है लिथियम, ठीक है। तो लिथियम कंस्ट्रक्ट करो, अब गो फॉर लिथियम नाउ बेटा। तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल में से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिए हुए हैं अभी, ठीक है। अब लिथियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देख लो, इसके बाद जितने भी हैं आई विल बी गिविंग यू होमवर्क। पहले सबसे पहले हम लिथियम मॉलिक्यूल के लिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एक लिथियम एटम की। सो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, यही है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है 1s ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल है? 2s भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2s ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व करना है। तो इसके ऊपर ऊपर हमने डायग्राम, ठीक है जी। तो ये 1s बना लिया, सिमिलरली आपने 2s कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो लाइक दिस, क्योंकि s ऑर्बिटल्स हमने ऐसे ही बना देने, ठीक है। सो दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज आल्सो सिग्मा 2s, ठीक है। तो ये सिग्मा 2s आ जाएगा यहाँ पे एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। देखिए बेटा, ठीक है। अगर आपने सिंपली लिखना है तो आप 1s लिख सकते हो यहाँ पे, इसको 2s लिख सकते हो, सिमिलरली 2s एंड दिस इज 1s, हो गया। ऐसे आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया अब इसको, राइट। अब सिग्मा 1s, पहले दोनों की कॉन्फ़िगरेशन इस साइड लिख लिया करो। 1s2 है, 2s1 है, इस साइड लिख ली 1s2 2s1, इस साइड भी लिख लो 1s2 2s1, ठीक है। फिर मिक्सिंग करनी ईजी हो जाती है। 1 2 3 4 चार फिल करने हैं, दो नीचे जाएंगे दो ऊपर जाएंगे, एक और एक, दो टू फिल करने हैं, तो दोनों पहले हमने नीचे फिल करने, ठीक है। डू रिमेम्बर, जब भी हमने फिलिंग करनी है हमने वो तीनों रूल्स याद रखने हैं, ऑक्वा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल,
ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है, पेयरिंग करनी है, पहले पहले सिंगली फिल करना है, बाद में पेयरिंग करनी है, एंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज इनको फिल करना, ठीक है। तो फिलिंग के टाइम पे हमेशा आपने याद रखना है कि ये सारे रूल्स फॉलो, ओके। अब कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं पहले Li2 की, क्या कॉन्फिग्रेशन है बेटा, दिस इज सिग्मा 1s, कितना है 2, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, कितना है 2, दिस इज सिग्मा 2s, कितना है 2, दिस इज द कॉन्फिग्रेशन, ठीक है, ये कॉन्फिग्रेशन हो गई। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के दो मेथड है, ठीक है। अगर तो ये नीचे वाला पूरा भरा हुआ है, अगर तो ये नीचे वाला जो आप ले रहे हो सिग्मा 1s ले रहे हो, इफ इट इज कम्प्लीटली फिल्ड देन डोंट टेक इनटू अकाउंट ड्यूरिंग द बॉन्ड ऑर्डर। जब आपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है फिर उसको मत लो, ठीक है। मैं दो वे से बताती हूँ आपको, मैं सिंपली इसको ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे वेलेंस है, ठीक है। अब ये मेरा वेलेंस बॉन्डिंग है और ये मेरा वेलेंस एंटी बॉन्डिंग है, ओके। तो बॉन्डिंग कितने हैं 2 है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0, तो 2/2 is 1, तो यानी कि लिथियम और लिथियम के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये एक मेथड से बताया है मैंने, दूसरा मेथड भी देख लो। अब मैं ये अगर अकाउंट करूं, अगर मैं ये चीज अकाउंट करूं तो बॉन्डिंग कितने हैं 2, ये बॉन्डिंग कितने हैं 4 minus, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0, ठीक है, तो 2+0 2, तो अगेन आपके पास सेम ही आएगा, ओके। तो अगर नीचे वाला पूरा फील्ड है तो उसको अकाउंट ना भी करोगे आप तो ऊपर वाले से सिंपली आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। नाउ हाँ जी नमन, इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है, है ओके, डायमैग्नेटिक, सो दिस इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मैं इतनी बड़ी कॉन्फिग्रेशन नहीं लिखना चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू राइट द लेंथी कॉन्फिग्रेशन, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है आपने निकालना है, अगर नीचे वाले फील्ड है तो उसको अकाउंट ना करो, ठीक है। इन द सिमिलर वे कॉन्फिग्रेशन अगर मैंने निकालनी है, अगर मैंने कॉन्फिग्रेशन लिखनी है और ये फील्ड है, अगर ये फील्ड है अच्छे से नीचे वाले, तो आई कैन रिप्लेस देम विद द के। तो इतनी बड़ी कॉन्फिगरेशन लिखने की बजाय मैं क्या लिखूंगी, 1k फॉर दिस, 2k फॉर एंटी बॉन्डिंग, एंड सिंपली सिग्मा 2s, ठीक है। जैसे हम कॉन्फिगरेशन के शॉर्टकट्स लिखते हैं ना इन टर्म्स ऑफ हीलियम एंड नियॉन नोबल गैसेस की टर्म्स में, वैसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अगर पहले वाले सारे फील्ड है तो आप सिंपली के लिख सकते हो उनकी जगह, ओके। अब आपको लिथियम पॉजिटिव भी पूछ सकते हैं, Li2 पॉजिटिव, Li2 नेगेटिव, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपने वैसे ही कैलकुलेट कर लेना, ओके, ठीक है। चलिए, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर टू यू नाउ, क्लियर है। कार्बन का केस करो, फिर डू द केस फॉर द कार्बन। लिथियम के बाद बेरिलियम है और बोरोन है, डेट इज फॉर योर होमवर्क। आपने Be2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है एंड डेट इज योर होमवर्क, ठीक है। कार्बन का बताओ बेटा जल्दी से, डू दिस फॉर द कार्बन एटम, कार्बन मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल के लिए करो और आंसर बताओ मुझे। पहले हम कार्बन की कॉन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। अब हम P पे शिफ्ट कर गए हैं, राइट, अब हम P पे शिफ्ट कर गए हैं,
तो पी वाले केसेस देखो अब मैं नीचे वाला ना बनाऊं क्योंकि बोर्ड आपको विजिबल नहीं होगा, फिर मुझे ऊपर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने एज इट इज बना लेना है, 1s2 फिल्ड है, 1s2 भरा हुआ है, आपने अच्छे से नीचे वाला बना लेना है, 2s भी भरा हुआ है, अगेन यू विल बी फॉर्मिंग, तो ये दोनों फुली फिल्ड आपने ऐसे बना लेने हैं, ठीक है। ये दोनों आपने फुली फिल्ड ऐसे बना लेने हैं पहले, ठीक है। अब मैं इसको रब कर दूं क्योंकि मैंने पी फॉर्म करने हैं, राइट। चलिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पी, अब पी में हमारे पास आते हैं 2px, 2py एंड 2pz। पहले क्या आता है, x आता है, फिर y आता है, फिर z आता है, ठीक है। अल्फाबेटिकली भी ऐसे ही आते हैं ना हमारे पास। तो जो p ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं, हियर यू विल बी राइटिंग द 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, यस नो, विजिबल नाउ, बोलते हैं बेटा कुछ तो आंसर दो तभी मुझे पता चलेगा, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, दिया, जपन, गुरसिमर, एनीवन, वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियर,